बोलिए गिरिराज महाराज की। तो हम जा रहे हैं अभी गाड़ी से, लेकिन हमें रास्ता मालूम नहीं है। हमारे आगे जो गाड़ी जा रही थी हमें उसका पीछा करना था, लेकिन हम ब्लॉक के चक्कर में रुक गए यहाँ पे। भाभी जी चेक कर रहे हैं मैप में, इधर को करो, इधर कोई लोग, इधर को जाना है, ये है गाड़ी, इस गाड़ी का पीछा करते हैं। चलो इसका पीछा करो गाड़ी का। हम बने हैं सीआईडी, ये गिफ्ट करिए पता मम्मी, चलो इन्होंने बोलिए गिरिराज महाराज की, बोलिए वृंदावन बांध के बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी की। ये है गिरिराज मंदिर, यहाँ से परिक्रमा शुरू होगी। बानु कितना कितना कंप्लीट हो गया? 6 किलोमीटर कंप्लीट हो गया। चलो भाई कुछ तो अचीव हुआ। रोहित ने बानु को उठाया, तो हम कब से 8 किलोमीटर हम पैदल चले हैं। तभी यहाँ पे मम्मी और आंटी जी यहाँ पे रिक्शा में जाएंगे, तो वानु अभी उनके पास जाएगी और ये आगे जाके हमारा वेट करेंगे। तो आज है दूसरा दिन 16 अप्रैल। तो मैं ब्लॉग को एंड नहीं कर रहा हूँ, उसको कंटिन्यू रखूँगा। और हम रात को यहाँ पे पहुँचे कम से कम 4 बजे के करीब, आते ही सो गया मैं, सुबह अभी उठा हूँ 8:30 बजे। अभी जा रहे हैं, फ्रेश हो रहे हैं सब, और फिर से चलेंगे। अभी अभी क्या करेंगे ना, हम जितने भी मंदिर हैं सबके दर्शन करेंगे। अभी जी अभी कहाँ जा रहे हैं हम? वृंदावन। अभी जा रहे हैं वृंदावन, तो अभी हम जा रहे हैं वृंदावन। मैं सबसे लास्ट में हूँ, बाकी सब आगे जा रहे हैं। ये देखो, एक मिनट भाई रुक जा, ये वो चल रही है पूरी टीम आगे। भाभी जी भाभी जी सुन रही है मेरी, यहाँ पे बैठे रोहित, रोहित यहाँ पे बैठे, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आधे लोग पीछे बैठे। तो अभी हम जा रहे हैं वैष्णो धाम, यहाँ पीछे हमारे, यहाँ से क्लियर दिखेगा नहीं, थोड़ा सा अंदर जाके दिखेगा। तो अभी हम खड़े हैं लाइन में, बोल बोल अभी लगाएंगे जयकारा। तो आज है तीसरा दिन। भाभी जी आज कहाँ जा रहे हैं हम? हैं रमन रहती, तो आज हम आज गोकुल रमन रेती जा रहे हैं आज हम। तो हम तो पहले आ गए, गाड़ी वो खड़ी है, एक और गाड़ी है हमारे साथ, वो अभी पीछे पीछे आ रही होगी, और भी लोग हैं हमारे साथ, बच्चे लोग, वो आ रहे हैं ऑटो में आ रहे होंगे वो। तो अभी हम यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि वानी भी हमारे साथ, तो मैंने टीका भी लगा दिया। अभी तो बस थोड़ी देर में निकलेंगे रमन रेती, यहाँ से अराउंड आधा घंटा हो रहा है, जल्दी पहुँच जाएंगे। तो हम पहुंच गए रमन रेती अभी, और वो हमसे पहले पहुंच गए सब, क्योंकि उनको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है वो। ये देखो वानु आ गई अपने आसन में, ये रहा अंदर सब नाच रहे हैं, बाकी पता नहीं कहाँ पे होंगे। अरे
भानु ये क्या कर रहे हो? भानु खेल रही रेत से, ये लेता यहाँ पे अभी 12 बजे भंडारा शुरू होगा, तो यहाँ पे थालियाँ वाली लगी है। मेरे को लगा ये खुद धोके वो वाली हैं, लोगों ने खुद धोके रख दिए बिना मतलब उसके। तो अभी हम सब जा रहे हैं बरसाना, जो ये जो कि है यहाँ से अराउंड 40-50 किलोमीटर। चलो इधर निकली आना दिना, चलते हम वो जो आगे अंकल जा रहे हैं उनका पीछे कर रहे हैं। ये इसके आगे वाली जो गाड़ी है, कुर्बानी भी यहाँ पे। भानु भानु और सारे जितने भी हैं सब यहाँ पे ये खड़े हैं, यहाँ से ले रहे हैं ऑटो। मैं खिड़की नहीं खोलूंगा, नहीं तो हमने लगाया एसी, कोई फायदा नहीं खोलने का। ये डिसाइड कर रहे हैं कि कैसे जाना है क्या जाना है, इनको लेना पड़ेगा यहाँ से ऑटो। वृंदावन में भी कैब का सिस्टम है, देखो सब। ओके बाय द बाय द बाय बाय वानु बाय का तो गियर लगा दे। अभी थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि सेट जाना है, सेट जाना है कि सेट जाना है। चलो वो वाला देखो, हम यहाँ से हमने नारियल पानी भी लगा, आधा घंटा हो गया दे ही नहीं रही है। देखो बानू हमारे ड्राइवर बन गई है। बानू गाड़ी चलाओ, पीपी करो बानू, पीपी बानू 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 बानू। ये भाभी अपने लिए ले रहे हैं हमारे पास भी। ओके जी तो है हमारे पास, तो ये कौन है? ये लड्डू गोपाल जी है, इनको बहुत बच्चों की तरह करना पड़ता है, इनको बड़े वालों की तरह। कुछ वानू भी वानू ये है सुंदर है लेकिन वानू वानू तू है तो अभी हम जा रहे हैं वापस दिल्ली के लिए, काफी पहले निकल चुके हैं, तो हम पहुंचने भी वाले हैं, ऑलमोस्ट फरीदाबाद पहुंच गए। तो हम घर वापस आ गए, काफी टाइम हो गया, अभी तो 8 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ। अब तक यहाँ पे हल्दी लगी हुई है, तो मैं अभी जल्दी से नहाने जा रहा हूँ। अभी बहुत गर्मी है दिल्ली में, बहुत गर्मी होगी, बहुत ज़्यादा ही गर्मी होगी, बहुत गर्मी लग रही है। तो अभी नहाते हैं और वानी में यहीं पर खेल रही है कहीं, और फिर नहाने नहा के आने के बाद ब्लॉग को एंड करता हूँ। तो अभी टाइम हो गया सोने का, बहुत ही खतरनाक वाली नींद आ रही, क्योंकि इतने 2-3 दिन से ठीक से सोई नहीं है हम। वैसे रात को 12-1 बजे तो आते ही थे हम घूम फिर के पूरा, फिर 4-5 घंटे सोना, फिर सुबह उठ के फिर से जल्दी से चले जाते थे। तो अभी ये सीन, बहुत जगह घूमे हम और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ही जगह, इतनी जगह गए ना कि पूछो मत। मतलब कृष्ण जी जो हैं उन्होंने वो जहाँ जहाँ रहते थे जो जो उन्होंने किया ना वो सब देखा हमने। मतलब जैसे उन्होंने मिट्टी खाई थी तो हम रमन रेती भी गए थे, फिर कहाँ पर उनको पिलर्स में बांधा था 84 खंभा वहाँ भी गए थे, और भी ऐसी बहुत सारी जगह थी, बहुत मज़ा आया। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।